नशे का कारोबार करने वाली 3 महिलाओं सहित 13 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद पुलिस द्वारा 3 थानों और एसओजी की टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर नशे का कारोबार करने वाली 3 महिलाओं सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में स्मैक, चरस और गांजा बरामद किया गया है। यह सभी नशे का सामान रामपुर जनपद से मुरादाबाद आकर अलग अलग जगह बेचा जाता था। पकड़े गए अभियुक्तों पर पहले नशे का सामान बेचने पर जेल जा चुके हैं। मुरादाबाद में नशे का कारोबार बहुत फल फूल रहा है, जिसकी आए दिन पुलिस को शिकायत मिल रही थी। एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी के नेतृत्व में मुगलपुरा, मुंडा पांडे और कटघर थाने की पुलिस फोर्स के साथ इन लोगों को पकड़ने के लिए एसओजी की टीम को साथ में लगाया। तीनों थाने और एसओजी की टीम ने नशे का कारोबार करने वाली 3 महिला सहित 13 लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया। रामपुर जनपद मुरादाबाद बेचने आता था नशे का सामान। पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्त अंजुम ने बताया कि वह रामपुर का रहने वाला है और स्मैक की खरीद फरोख्त करता है। स्मैक मुरादाबाद बेचने आया था, उसने आशु मनोज स्मैक बेची थी, बाद में स्मैक दानिश को बेचने को दी थी। कुछ माल रेशमा सलमा, उसके बाद वकील को भी स्मैक की सप्लाई करनी थी। यह सब अंजुम के परमानेंट ग्राहक है, जो अंजुम से माल लेकर स्थानीय लोगों को पुड़िया बनाकर बेचते हैं। अन्य अभियुक्तों ने भी पूछने पर बताया कि वे अंजुम से स्मैक थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं और पुड़िया बनाकर बेचकर अपना खर्चा चलाते हैं। 3 थाने की पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर 3 महिलाओं सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 153 ग्राम स्मैक, 523 ग्राम चरस, 290 ग्राम गांजा, 8 मोबाइल व 20,650 रुपए नकद बरामद कर 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि नशे का कारोबार करने वाली 3 महिलाओं सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 थानों और एसओजी की टीम ने मिलकर इनको पकड़ने के लिए संयुक्त अभियान चलाया था। नशे का कारोबारी अंजुम रामपुर जनपद का रहने वाला है। रामपुर से नशे का सामान लाकर मुरादाबाद जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बेचता था। वह लोग इनकी पूड़ी बनाकर स्थानीय लोगों को बेचते थे। अभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। ये मुरादाबाद पुलिस द्वारा नशे के कारोबार के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज इसमें थाना मुगलपुरा, मुंडा पांडे, कटघर एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 13 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 153 ग्राम स्मैक, 523 ग्राम चरस, 290 ग्राम गांजा, 8 मोबाइल और 20,650 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसमें इनकी पूछताछ में अभी तक ये निकल के आया है कि इसमें एक व्यक्ति है अंजुम, जो रामपुर का रहने वाला है, जो यहाँ रामपुर में इन ड्रग्स की सप्लाई करता था। ये मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, जब भी इनको ज़रूरत होती थी तो इसके पास से बरामद किए जा ले लिए प्राप्त करते थे ये ड्रग्स जो है। इस प्रकरण में मुगलपुरा के 5 अभियुक्त, मुंडा पांडे से 5, कटघर से 2 और ये अंजुम जो रामपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। कुल 13 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जिसमें और भी अन्य तथ्य प्रकाश में है जिन पर विवेचना प्रचलित है, और भी जो इस लोग इस नशे के कारोबार में संलिप्त है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें मुरादाबाद पुलिस दृढ़ता के साथ जो भी इन कार्यों में संलिप्त है उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई करेगी। इनके ऊपर पूर्व में भी NDPS के मुकदमे पंजीकृत हैं, और भी इनके बारे में जानकारी की जा रही है, और भी अगर कोई तथ्य इनके साथ विरुद्ध प्रकाश में आते हैं तो उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। सप्लाई करते हैं ये जैसे मुगलपुरा वाले हैं, मुंडा पांडे और कटघर की, ये जो अभी पकड़े गए हैं ये लोकल में ही वहाँ पे जो मौजूद व्यक्ति हैं जिनके पास डिमांड आती थी उनको ये सप्लाई करते थे फ़ोन के माध्यम से, या जो व्यक्ति पहले से इनके ठिकानों को जानते थे उनको ये प्रोवाइड करते थे। अभी इनके बारे में जांच की जा रही है, और भी जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अवगत कराया जाएगा।